Assalamualaikum my YouTube family, this is my first vlog और आप रात के 12:45 मुझे टाइम मिला है डिनर करने का, तो मैं चाय के साथ थोड़ी चीज़ें एयर फ्रायर भी खा लूँगी। और फिर सुबह आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी, उम्मीद है आपको सही रेसिपी मिल जाएगी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी बताऊं। एक्चुअली मेरे चैनल बनाने का पर्पज़ यही है कि बच्चों के साथ इतना बिज़ी होती हूँ कि ख़ुद के लिए कोई टाइम ही नहीं निकलता। इसलिए मेरे हस्बैंड के साथ मैंने सोचा है कि मैं एक व्लॉगिंग डालूं, साथ रेसिपीज़ करूं, सब कुछ मिक्स करूं। यानी कि मेरे चैनल का नाम ही ये है, मॉम लाइफ एंड रूटीन। मैं आपको कोशिश करूंगी अपनी रूटीन भी साथ साथ शेयर करूं। एक मदर कितना बिज़ी होती है, वो अपने लिए भी टाइम निकालती है, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी बिगनर हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सही क्वालिटी वीडियो की, सही अपलोड रेसिपी, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सही होता जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो आज हमारे किचन में बन रही है एल्बो मैक्रोनी की रेसिपी। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, तो ये रात को मंदी बनी थी हमारे घर में, तो ये इसका हाल हुआ है। बाकी सब खा लिया गया है, हड्डी वाला ये नहीं किसी ने खाया। अब इसको मैं आपको रीयूज़ करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो इसको, इस मंदी को हम एयर फ्राई थोड़ा सा कर लेंगे या माइक्रोवेव में कर लेते हैं, वही ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, इसे माइक्रोवेव में डाला, इसको बंद किया, इसको ऐसे चला दिया, तीन पर रख के गर्म कर लिया। और अब मैं आपको बताती हूँ, अब कोशिश तो करूँ कि आपको सही तरह एक एक चीज़ समझाऊँ मैक्रोनी की। सॉरी, किचन की हालत पे मत जाइएगा, क्योंकि हमारे किचन का काम हो रहा है और उसके साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाना शुरू हो गई हूँ। ये थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, और ये रहा ऑयल। इस ऑयल का 1 टेबलस्पून या टीस्पून बस आपने इस तरह डाल देना। देखिएगा इंशाल्लाह कितनी खिले खिले मैक्रोनी बनेगी आपकी। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप काम शुरू करें, कोई भी काम शुरू करें, बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का बनेगा। अल्लाह पाक की बरकत डालते हैं हर काम में। तो क्या आप बात में कह रही थी, हाँ हमारे किचन में काम हो रहा है। बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और न्यू व्लॉग्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे इंशाल्लाह। बस ही थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ आजकल, दिन इतना छोटा हो गया कि पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक पैकेट ही हमें इनफ होता है, क्योंकि हमारे घर ज़्यादा मैक्रोनी नहीं खाते। ये मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने इसमें पानी, ऑयल, सॉल्ट और इसको बस बॉयल होने के लिए रख दिया है। ठीक है, अब ये बॉयल होता है तो आपको बताती हूँ। अभी साइड पे आ जाइए, 3 पोटैटो ले लिए हैं, 1 अनियन ले लिया है, और ये मैंने आपको रात को बताया था कि रात को मंदी बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड मैंने कर दी हुई है। तो ये मैंने मंदी बनाई थी, तो उसका चिकन जो ब्रेस्ट था ना, ये बच गया था, ये किसी ने नहीं खाया। तो इसकी मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लिए हैं, इस तरह शेडर चिकन को कर लिया। तो अब इसको सबको मिक्स करती हूँ और फिर आपके साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करती हूँ जी। तो ये सब मैंने काट लिया, ये 3 पोटैटोज़ थे, 1 अनियन, 2 टोमेटो, 2 रेड चिली और सॉरी ग्रीन चिली, और ये 1 कैरेट। मेरे बच्चे इतने वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं फ्राइज पहले बनाने लगी हूँ। और ये जो है ना मैक्रोनी, ये हाफ डन हो चुकी है, तो इसके बीच में ही मैं, ये देखें ये हाफ डन हुई है, इसके बीच में ही मैं कैरेट डाल दूँगी। मैं आपको बताती हूँ, ये कैरेट है 1, इसको मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी।
जी तो ये इस पर मैंने अजान होने लग पड़ी थी इसलिए मैंने इसमें सम स्पाइसेस घर में जो आम डलते हैं बस वो डाल दिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये बॉयल हो गया था इसमें बस ये इसमें से ये लेंगे। ये हमारा छोटा सा स्टोर है इसमें हमने हर चीज़ रखी होती है बस तो इसमें रखेंगे हम। ये एक दफ़ा गर्म हो जाए इसमें मसाला बनाएंगे। ये फ्राइज हो रहे हैं बस ये लाइट ऑफ कर देते हैं ऐसे इसका डोर भी क्लोज कर देते हैं ऐसे। चलो अब एक वहाँ से कैमरा उठा के तो ये मुश्किल हो जाएगा इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं। चलिए अनियन को सॉटे कर लेते हैं फिर इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। ये मैंने निकाल ली और अब ये आ गए हैं मेरे छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे। चलें जी लाएं। अब आपने सिस्टर के साथ शेयर करके खाना दोनों बनो ने। ये रही छोटी मेरे हाँ आपने चिप्स खाने हैं मैंने खाने हैं। ये देखिए जी बस इसको यही आता है करना बेटे अभी हॉट है। यहाँ पर ये मिरहा खा रही है और फरान नाराज़ होकर चली गई है अब खुद ही आ जाएगी दो मिनट बाद। अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या किया है अनियन को टमाटो को ग्रीन चिली को और चिकन जो मैंने शेडर किया था इन सब चीज़ को घर के आम स्पाइसेस क्योंकि मेरे बच्चे सिर्फ नमक काली मिर्च और क्या होता है थोड़ा सा मैंने गरम मसाला थोड़ा सा बिल्कुल कि ज़रा इनके अंदर ना बादियान का फूल और गरम मसाले में पता है हमने घर के सारे मसाले पीसे होते हैं तो बस वो चला जाए इनके अंदर किसी तरह थोड़ा बहुत तो वो मैंने बस ऐड किया और मैं कुछ भी नहीं ऐड करती। और यहाँ पे ये फ्राइज हो गई मेरे बच्चे तो बहुत शौक से फ्राइज खाते हैं इनके फूले फूले होने का राज ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्राइज खाते हैं। फ्राइज किसको नहीं पसंद लेकिन मुझे नहीं सूट करते मैं तो जब भी फ्राइज खा लूँ मेरे तो एक्ने स्टार्ट हो जाता है इसलिए। अब मगरिब की अजान भी हो गई है अब इसके बाबा भी आएंगे। ये मैक्रोनी होगी बनी हुई बस मैं ये सब कुछ ऐड कर लूँगी एक साथ और फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मिरहा व्हाट आर यू डूइंग हाँ जी तो अब ये मैंने दो और आलू डाल के ये फ्राई करने लगी हूँ और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है ये लाइट में मैं आपको दिखाती हूँ ना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आया इसमें। आज मेरी कुछ व्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें आनी हैं जैसे ट्राईपॉड हो गया और रिंग लाइट वगैरह ये सब मंगवानी है मैंने इंशाल्लाह ताकि ना मुझे इतना पकड़ने में मुश्किल होती है इतनी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं सब चीज़ें ला के दूँगा फिर शुरू करना मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्या होगा मुझे बस शौक चढ़ा तो मैंने करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फराल की दादी माँ मेरी इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस काम में सपोर्ट करते हैं कहते हैं कुछ ना कुछ करना चाहिए फारिग बैठ के अपना माइंड कहीं ना कहीं फजूल बातों में लगाने से बेहतर है कि आप अपना कोई काम करो या अपने आप को बिज़ी रखो। हमारी फैमिली में सब बिज़ी रहते हैं इसकी दादा को स्टिचिंग का काम आता है तो वो फारिग नहीं बैठती वो स्टिच करने लग पड़ती हैं ये गद्दियों के कवर सीने लग पड़ेंगी फिर ड्राइंग में या किसी तरह डेकोरेट करने लग पड़ेंगी चीज़ें। हमारे घर में कोई भी फारिग नहीं बैठता और ये भी बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठती ये देखें ये कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहेगी। ये देखिए गंदे काम मिरहा फराल को थोड़ा सा पानी दे दूं आप ये फराल को ये जी पानी मामा डाल डाल के खाती जाओ कैचअप डालना
बातें सुने इसकी, बातें सुन लो। मैंने वो सारा ऑयल निकाल लिया है, सिर्फ ये देखें, सिर्फ 2 स्पून ऑयल है। इसके बीच में ये शेडर हुआ सारा चला जाएगा। फॉर ऑल डोंट डू दिस बेटे, आप पैदाशी हंगरी हो। इसके साथ ना डालो बेटे, आराम से बात करें। ना डालो उसके अंदर, तो फिर इसमें डालो। अल्लाह, कैमरा पकड़ के काम करना बहुत मुश्किल है। चिप्स के अंदर क्यों डाल रहे हो जी? चिप्स के अंदर क्यों डाल रहे हो? मैं चिप्स के अंदर नहीं डाल रही, ये देखिए। खाओ खाओ मम्मा। बेटे दिखाती, मुझे तो लगता है आने वाले टाइम पे मेरी बेटी ने एक शेफ ही बन जाना है। मैं ये मिक्स करके बताती हूँ। इसके बाद इसमें इसको हम इधर ले आते हैं इस तरह। फॉर ऑल डोंट डू दिस। यहाँ पे लाइट का फोकस, ये देखिए कैमरे पे देख के काम करना डिफिकल्ट। हो गया। उसके बाद मैंने इधर फराल से छुपा के केचप रखी थी। दिस वन, ये है चिकन स्प्रेड। ये मुझे यहाँ से पास ही एक मार्ट है कैंट में, उससे मिली थी, छोटी सी बिल्कुल यंग्स की है ये। इसराइली प्रोडक्ट्स का पक्का बायकॉट किया हुआ है हमने। इसको बाद में बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद इसके ऊपर कैचअप से ऐसे ऐसे ऐसे, मैं वैसे ना थोड़ी सी चीज़ भी स्प्रेड कर देती होती हूँ, स्प्रिंकल करती हूँ, तो उससे भी बहुत टेस्ट हो जाता है चीज़ का। लेकिन आजकल हम सब डाइट पे चल रहे हैं। ये रही मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी भी और मेरा छोटा सा व्लॉग भी, चुन्नू मुन्नू सा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।